अस्सलामु अलैकुम। आज हम पहली जुमात की किताब मोतियां से अपना सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ हरूफ हैं र, ळ, ज, ज। ये इसकी आवाज़ें हैं। और ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम इन हरूफ के साथ मिलकर लाइन पर रहते हैं, मसलन बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, काफ, गाफ, लाम, नून, छोटी ये और बड़ी ये। तो जब ये इनके साथ मिलते हैं तो इन हरूफ के साथ मिलकर लाइन पर रहते हैं। इसकी मश्क हम नीचे करेंगे। और हम इन हरूफ के साथ मिलकर लाइन से नीचे आते हैं। सीन, शीन, स्वाद, वाद, त्वा, ज्वो, एन, गैन, फ, काफ, मीम और हा। हम तमाम दो चश्मी है के हरूफ के साथ मिलकर लाइन से नीचे ही आते हैं। बच्चों, इनकी प्रैक्टिस यानी मश्क हम नीचे करेंगे। और हम कुछ हरूफ से मिलते हुए लाइन पर बैठते हैं और कुछ से मिलकर लाइन से नीचे आते हैं। तो र, ड, ज और ज की मश्क हम इन चार खुद ख़ास बातों के मुताबिक नीचे करते जाएंगे। बच्चों, ये है पारे पर, जीम र जर, काफ र कर, लाम र लड़, नून र नर, ये छोटी ये रे यर। अब है सीन र सर, स्वाद र सर, त्वा र तर, एन र अर, फ र फर। बच्चों, ये फोर और फर की ये भी रे भी थोड़ी सी लाइन से नीचे आएगी। हर हर, इसकी र भी थोड़ी सी लाइन से नीचे आएगी। अब यहाँ पे लिखा है भर भर। अब दो चश्मी है और रे, तो इसकी रे भी थोड़ी सी लाइन से नीचे आएगी। फर फर, थर थर, जिम हाड़ झड़, दाल हाड़ धड़, गाफ हार घर। तो बच्चों, इसकी रे जो है ये लाइन से थोड़ी सी नीचे आएगी। इसके लिखने का तरीका ये है। अभी हम पढ़ेंगे मुरक्कब हरूफ यानी दो चश्मी वाले हरूफ। इसमें अलिफ, वाव, छोटी और बड़ी ये के साथ हम अल्फाज साजी करेंगे यानी अल्फाज बनाएंगे, हरूफ से अल्फाज बनाएंगे। सबसे पहले हम अलिफ से अल्फाज बनाएंगे दो चश्मी है के मुताबिक। पढ़िए और लिखिए। बच्चों, यहाँ पर लिखा है भाग, आपने इसके मुताबिक इधर लिखना है भाग। अब है घास, घास को भी इसको इधर ही ऐसे ही लिखना है। दाढ़, दाढ़ को भी इसके मुताबिक लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ इस तरह। प्यारे बच्चों, आपने इसको अपनी किताब में इसी तरह लिखना है। खात, लाख, हाथ, भागा, फाड़ा, झाड़ा, छाना, धागा, खाना। अब बच्चों, यहाँ पर हर्फ वाव के साथ अल्फाज साजी है। इसमें सारे हरूफ में वाव को शामिल किया करके अल्फाज बनाए गए हैं। सबसे पहले है छोड़, ढोल, खोट और इसी तरह आपने ये सारे लिखने हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है खोल, घोट, घोल, भोला, थोड़ा, छोटा, धोना, खोला और घोला। इसको आपने अपनी किताबों में इसी तरह लिखना है। अब बच्चों, यहाँ पर जो अल्फाज है इसमें अलिफ भी आया है और छोटी ये भी आया है, जैसे भाभी, भा, बे, हा, अलिफ, हा, भा, इसमें अलिफ भी आया है और ब, ह, यी, छोटी, भाभी। अब ये है झाड़ी, तो इसमें जिम, हा, अलिफ, यहाँ अलिफ आया है और यहाँ पर छोटी ये आई है, दोनों हरूफ इसके अंदर शामिल है, झाड़ी। अब है खाती, खाती में यहाँ पर अलिफ है और यहाँ पर छोटी ये है, खाती। इस तरह ये सारे आपने लिखने भी है और पढ़ने भी है। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है? साथी। अब बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे साथी, साझी, लाठी। तो ये आपके अलिफ और ये के हरूफ की अल्फाज साजी हो गई।
नीचे हमारे पास है वव और ये के हरूफ की अल्फाज साजी, जो कि कुछ इस तरह करेंगे। हमारे पास पहला लफ्ज़ है बह वव लाम ये ली भोली। इसमें वव भी आया है और ये भी आई है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे भोली कुछ इस तरह। फिर है छोटी, घोली, गोभी, घोड़ी, कोठी। इसमें वाव भी आया है और छोटी ये भी आई है। हर लफ्ज़ में वाव, छोटी ये, वाव, छोटी ये, वाव, छोटी ये, वाव, छोटी ये, वाव और छोटी ये। अब हमारे पास है अलिफ़ ये के साथ मिलकर हरूफ साजी करना। लेकिन बच्चों, ये अलिफ़ ये और वाव ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 12 में हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे।